सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप सबने फ्यूचर्स हेजिंग वाली वीडियो को इतना ज्यादा प्यार दिया है और अभी उन चारों पार्ट्स पे मिलाकर 50,000 से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को उस स्ट्रेटजी से बेनिफिट हो रहा है। अगर आपने अभी तक वो स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो ऊपर यहाँ पे लिंक्स आ रहे होंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, जाकर उसको जोर से देखिए सो देट आपको पता लग सके कि किस तरीके से फ्यूचर्स ट्रेडिंग करी जा सकती है बिल्कुल सेफ तरीके से एक लिमिटेड रिस्क के साथ। आज हम बात करने वाले हैं, जो कि उस वीडियो में बहुत सारे लोगों का डाउट आया था कि क्या इस स्ट्रेटजी को हम इंडेक्स में भी यूज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो क्या चीजों का ध्यान रखना है, किस तरीके से करना है, सारी बात आज करने वाले हैं इस वीडियो में। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या इंडेक्स में करने के बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है। जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे एंड सारी चीजों को आसानी से समझेंगे। आगे जाकर अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलेगा, आपकी हेल्प होगी, तो लाइक एंड शेयर जरूर से करिएगा सो दैट मुझे भी पता चलता रहे। अभी चलते हैं स्क्रीन पे एंड समझ लेते हैं कि इंडेक्स में इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से यूज करना है। सो इस फ्यूचर हेज को जब आप इंडेक्स में बनाना चाहते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहली चीज तो मैं क्लियर कर दूं, आप निफ्टी में भी बना सकते हो और बैंक निफ्टी में भी बना सकते हो। अगर आप निफ्टी में इसको यूज करना चाहते हो तो आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। वो बेसिकली क्या है तो वो समझते हैं। सिर्फ आपको स्ट्राइक प्राइस के साथ और एक्सपायरी के साथ थोड़ी छेड़खानी करनी है। वो बेसिकली किस तरीके से, तो जैसे आप देखोगे 650 पे, मान लेते हैं मेरे को लग रहा है यहां से निफ्टी ऊपर जाने वाली है और मैं एक बाइंग पोजीशन बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहला काम तो हमारा हो जाएगा कि हम निफ्टी को लॉन्ग करेंगे, दैट इज फ्यूचर लॉन्ग करेंगे। सो यहां पे एक बार बास्केट हम बना लेते हैं, तो निफ्टी का अगस्त फ्यूचर मैं ऐड कर लेता हूं, क्योंकि आज 25 तारीख है, जब ये मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं तो जो एक्सपायरी है जुलाई महीने की वो 27 को है, तो इतनी पास आपको पता है हम ये वाला हेज नहीं बनाते हैं उस एक्सपायरी में, तो इसलिए हम नेक्स्ट एक्सपायरी चूज करेंगे। अब सबसे पहली तो जो एक दिक्कत आती है, हालांकि ये स्टॉक्स में भी आती है जब आप लाइक थोड़ा मंथ के शुरू में बनाते हो, बट इंडेक्स में ये बहुत ज्यादा हो जाता है कई बार। बेसिकली वो क्या है, वो है स्पॉट के और फ्यूचर के बीच में डिफरेंस। जैसे अगर आप देखोगे स्पॉट क्लोज हुआ है अराउंड 665 के आसपास और अगस्त का फ्यूचर चल रहा है 805 पे, तो मतलब 120-130 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आगे जाकर ये डिफरेंस अगर कम होता है, दैट इज इसको प्रीमियम जो कहते हैं, अगर ये प्रीमियम कम होता है बिकॉज वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, तो अगर प्रीमियम इनकेस ये जो अभी करंटली चल रहा है लाइक 130-140 रुपए का, अगर ये आने वाले टाइम में 60-70 रह जाता है, तो वो जो 60-70 रुपए गए हैं वो आपको नुकसान हो जाएगा, बिकॉज वो ऑप्शन के प्राइस में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम एक थोड़ी सी होती है जब आप इसको इंडेक्स में करते हो। अब बेसिकली हम इसको ऐड कर लेते, तो ये हमने एक ऐड कर लिया। अब यहां पे अगर तो आप इसको ट्रेडिशनली बनाते हो, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है 2-3 वीडियोस में, तो आप क्या करोगे, अगस्त एक्सपायरी की ही जो है वो पुट यहाँ पे साथ में बाय कर लोगे। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, अगस्त एक्सपायरी अगर आप बाय करते हो ना, तो वहां पे यही प्रॉब्लम आएगी कि आपने फ्यूचर लॉन्ग किया है 19,800 पे, आपको पुट बाय करनी पड़ेगी 20,100, 20,200 या 20,300 वाली, तो वो बहुत दूर की हो जाएगी। अब उतनी दूर तक पहले मार्केट मूव करेगी, उसके बाद उसके ऊपर जाएगी, तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू होगा, अदरवाइज आपका प्रॉफिट जो है वो बेसिकली वहीं पे 5-10,000 के आसपास रह जाएगा। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम अगस्त एक्सपायरी का तो फ्यूचर हमने लॉन्ग कर लिया, बट यहां पे हमारे पास ऑप्शंस हैं वीकली एक्सपायरी के, तो हम जो पुट बाय करेंगे ना वो बीच में किसी वीकली एक्सपायरी की बाय कर लेंगे। जैसे अगर आप क्या करोगे, आप सिंपली कैलेंडर पे जाओगे, तो मैं बेसिकली यहां पे देख रहा हूं, तो अगस्त एक्सपायरी का जब मैं देख रहा हूं, तो वीकली एक्सपायरी जो पहली है वो है 3 तारीख को, उसके बाद है 10 तारीख को, उसके बाद है 17th को, देन 24th एंड देन है 31st जो कि मंथली एक्सपायरी, ठीक है। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, आप या तो 17th वाली वीकली एक्सपायरी की पुट बाय कर सकते हो, या फिर 10th के कर सकते हो, या फिर 24th वाली कर सकते हो। 24th वाली बेसिकली 31st वाली के साथ ही मिलती जुलती होगी, बट 17th वाली या फिर 10th वाली अगर आप बाय करते हो ना, तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होता है, और उसके अलावा भी एक बेनिफिट होता है, वो मैं आपको बताता हूं क्या। तो बेसिकली यहां पे मैं एक बार 10th वाली जो एक्सपायरी की ऐड करता हूं, उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, उसमें हम सिंपली निफ्टी को 20,000 वाली सर्च करते हैं। अब निफ्टी की 20,000 वाली हम पहले देख लेते हैं, तो 10th अगस्त की अगर हम देखें तो ये करंटली चल रही है 344 पे, और हमने फ्यूचर लॉन्ग किया है 19,800 पे, ठीक है। अब अगर आप सबसे पहले डिफरेंस देखोगे, तो स्ट्राइक प्राइस के बीच में और फ्यूचर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 200 पॉइंट्स का आ रहा है, और ये पुट चल रही है 344 पे। अब यहां पे ना आपको थोड़ा सा एक चीज फॉलो करनी है, जो मैंने आपको बताया था ना 70-75% प्रीमियम वाला, उस चीज को अभी थोड़ा साइड करना है, बिकॉज इंडेक्स में क्या करते हो ना, इंडेक्स थोड़ा सेफ चीज है। स्टॉक्स क्या है, स्टॉक्स में जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो ना, वो थोड़ी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली गेम हो जाती है, बट इंडेक्स जनरली सेफ माना जाता है, बिकॉज इंडेक्स में इतने वाइल्ड मूव्स बहुत कम आते हैं। तो यहां पे हमें क्या देखना है, यहां पे हमें वो 70-75% इंट्रिंसिक वैल्यू वाली चीज नहीं देखनी है, हमें यहां पे देखना है कि हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है। वो आपको पता है कैसे निकालना होता है,
बेसिकली जो आपका लाइक आपने ऑप्शन चूज करी है वो स्ट्राइक प्राइस में से आप फ्यूचर का माइनस कर दो। जैसे 20,000 है, इसमें से आप 19,800 को माइनस कर दो, तो आ गया 200। अब ये पुट चल रही है 344 पे, तो अब 344 में से 200 को जब आप माइनस करोगे तो आ गया 144। तो 144 को आप इसके लोड के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका आ गया मैक्सिमम लॉस। तो वो अगर मैं करंटली देखूं तो दैट इज 144 × 50 आ गया अराउंड 7,000 के आसपास, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि ये 7,000 का लॉस आप ले सकते हो, आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, आपके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, हर चीज के अकॉर्डिंग ये आपके लिए सूटेबल है, तो आप सिंपली इस पुट को बाय कर लो और आपका ये हेज बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको ना वो 70-75% वाला रूल नहीं फॉलो करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको मूवमेंट का एक इशू है कि इतनी ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी। अब अगर मैं 10,000 का रिस्क ले सकता हूँ पर लोट पे या 15,000 का, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पुट को थोड़ा और नीचे कर लूंगा। सो यहाँ पे बेसिकली ये थोड़ी जो है पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी हो जाएगी कि आप हर किसी को अपने अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। अब अगर कोई कहता है कि नहीं भाई मैं तो सिर्फ 5,000 का लॉस ही ले सकता हूँ पर लोट पे या 3,000 का ले सकता हूँ, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप इस स्ट्राइक प्राइस को ऊपर कर दोगे। लाइक निफ्टी की अगर आप देखोगे तो 20,200 वाली पुट देखोगे, अब उसमें क्या होगा, 20,200 वाली पुट जब आप देखोगे तो ये बेसिकली चल रही है 488 पे। अब जब आप डिफरेंस निकाल के देखोगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 20,200 में से 19,800 निकालो तो 400 आ गया, और ये पुट चल रही है 488 पे। तो दैट इज आपका मैक्सिमम लॉस है 88 रुपीज। 88 को आप कर दो 50 के साथ मल्टीप्लाई, तो दैट इज आ गया 4400 के आसपास। अब जैसे ही आपने स्ट्राइक प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट किया है ना, तो यहाँ पे आपका रिस्क तो कम हो जाएगा, बट साथ ही में आपका जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। लाइक आपको प्रॉफिट थोड़ा देर बाद होना शुरू होगा, तो इसलिए मतलब अगर आप सेफ्टी चाहते हो ज्यादा तो आपका प्रॉफिट भी थोड़ा कम होगा। अब देखो ये जो सारी मैंने कैलकुलेशन बताई है ना कि फ्यूचर में से स्ट्राइक प्राइस माइनस करना है, 75% क्या है, मैक्सिमम लॉस क्या है, ये सारा मैंने पहले 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो, तो ये लाइक एक एडवाइस या कह लो कि सजेशन नहीं है, ये रेकमेंडेशन है कि भाई जाकर पहले उन 3 वीडियोस को देखो, अदरवाइज ये वाली चीज आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी और बिल्कुल आपके ऊपर से जाएगी, ठीक है। बट अगर आपने वो देख रखी है तो आप आई होप ये सारी चीज समझ गए होंगे। अब यहां पे एक एडिशनल पॉइंट मैं बताता हूं, वो बेसिकली क्या है, वो है कि आप ये वीकली ऑप्शन के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, आप स्टिक रहो मंथली ऑप्शन के साथ ही। जैसे यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम मंथली ऑप्शन ऐड कर देते हैं, लाइक 20,000 वाली कर देते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, 20,000 वाली पुट हम ऐड कर देते हैं। अब ये आपका पूरे महीने का हेज बन गया, लाइक अगस्त पूरा आपके पास है, अगर उस दौरान मार्केट ऊपर जाती है तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। अब इसमें आपको ये पता लग गया कि भाई आप नीचे की साइड पे हेज हो चुके हो, मतलब अगर मार्केट यहां से नीचे आएगी तो आपको एक मैक्सिमम लिमिट तक नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ऊपर चलनी शुरू होगी तो आपको प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब यहां पे आपको बेसिकली क्या करना है, आप आ जाओ अपने चार्ट्स पे, ठीक है, आप जिस तरीके से भी चार्ट्स देखते हो, जो भी चीजें फॉलो करते हो, वो आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। बट स्टिल अगर आपका एक व्यू बन रहा है कोई भी, कि बिकॉज जैसे मैंने बताया इंडेक्स में मूव जब आती है उसका थोड़ा कई बार साइडवेज हो जाता है, कंसोलिडेशन करते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि हाँ भाई अब मार्केट जो है कंसोलिडेशन कर रही है और आपके पास ये हेज पड़ा हुआ है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जो भी नेक्स्ट एक्सपायरी है, लाइक अभी जैसे समझ लेते हैं मैंने ये हेज बनाया और अगली एक्सपायरी आ गई 3 अगस्त वाली, ठीक है, अभी 27 जुलाई वाली छोड़ दो, हम मान लेते हैं कि 3 अगस्त वाली एक्सपायरी आने वाली है, मतलब 3-4 दिन बच चुके हैं। अब 3-4 दिन बचे हुए हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उस एक्सपायरी की कॉल सेल कर सकते हो। मतलब जैसे आपने 20,000 वाली पुट बाय करी है ना, तो मैं अभी देख लेता हूं कि 20,000 वाली कॉल कहां पे चल रही है, 3 अगस्त की, वो बेसिकली चल रही है अराउंड 47 रुपए के आसपास। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये हेज जब हमने बना लिया तो साथ में ये 47 रुपीज वाली कॉल को सेल कर देंगे। अब इसमें बेसिकली होगा क्या, हम इसको ना एक बार सेल करते हैं, यहां से मैं सेल करता हूं। अब बेसिकली आपका मार्जिन कितना बढ़ेगा, सिर्फ अराउंड 20,000 के आसपास का, मतलब जो 40,000 लग रहा था वो लगेगा सिर्फ 61,000 या 62,000। ये थोड़ा ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, कुछ ब्रोकर थोड़ा ज्यादा मार्जिन भी लेते हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एंजल वन के साथ काम करते हो तो वहां पे आपको कोई भी इतना मार्जिन का इशू नहीं आएगा। हालांकि ये बास्केट मैं ज़ेरोधा में बना रहा हूं, बट ये फ्यूचर हेज मैं कभी भी ज़ेरोधा में नहीं बनाता हूं, बिकॉज ज़ेरोधा में क्या है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप डीप आउट ऑफ द मनी कॉल्स को सेल नहीं कर सकते हो, या पुट बाय नहीं कर सकते हो, ऑप्शन बाय नहीं कर सकते हो, वो सारे कुछ झंझट हैं इसमें। एंजल वन में भी आते हैं कई बार वो, बट उनकी टीम के साथ आप बात करो, मेरे साथ बेसिकली कई बार हुआ है, तो मैं उनकी टीम को उसी वक्त मैसेज डालता हूं, वो विद इन 5 to 10 मिनट्स वो स्ट्राइक प्राइस को ओपन कर देते हैं और हम उसमें काम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज उसमें मेरे को एडवांटेज मिलती है, बाकी मार्जिन का कोई इशू मेरे को आज तक आया नहीं है कि वो मार्जिन बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ही अच्छे से सारा काम उसमें होता है। तो अगर आप ये फ्यूचर हेज करना चाहते हो तो आप एंजल वन के थ्रू जरूर से कर सकते हो। अब देखो इसमें हुआ क्या, आपने जब ये ऐड किया ना, लाइक 20,000 वाली कॉल आपने सेल करी, तो अभी मार्केट चल रही है 19,660 के आसपास। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है, मान लेते 100 पॉइंट ऊपर गई, 200 पॉइंट ऊपर गई, तो आपको लॉस दिखेगा, मतलब ये जो आपने कॉल सेल करी है ना 20,000 वाली, इसमें आपको ये 47 से 60 चली जाएगी, 70 चली जाएगी, 80 चली जाएगी, मान लेते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, 3 अगस्त को ये एक्सपायर होने वाली है, आपको नुकसान उसी केस में होगा अगर मार्केट 3 अगस्त से पहले पहले 20,000 के बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। बट पॉइंट यह है कि अगर मार्केट यहां से 20,000 से बहुत ऊपर चली जाती है, मान लेते हैं 20,200 चली जाती है, तो आपको कॉल में तो नुकसान जो होगा होगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको फ्यूचर में हो चुका होगा उस वक्त, ठीक है, बिकॉज फ्यूचर जो आपने लिया है वो अगस्त एक्सपायरी का है,
और ये जो आप कॉल सेल कर रहे हो वो बेसिकली कर रहे हो वीकली की, ठीक है। तो वीकली वाली कॉल का जो बेसिकली आप डेल्टा वगैरह साफ समझते हो, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ेगी और यहां से मार्केट 400 पॉइंट ट्रेवल करेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लॉस होना शुरू होगा। अगर मार्केट यहां से मान लेते हैं 19,850 तक भी चली गई, मतलब 3 अगस्त तक, तो भी ये कॉल जीरो हो जाएगी और तब तक आपको बेनिफिट क्या होगा कि ये 47 वाली जीरो हो गई और यहाँ पे आपको फ्यूचर में भी प्रॉफिट हो गया। मतलब अगर मार्केट यहाँ से 950 चली गई, सिर्फ एक केस में आपको नुकसान हो पाएगा कि अगर मार्केट यहाँ से 20,100 चली गई, मतलब 50 तक भी नुकसान नहीं होगा, बिकॉज 47 पे आपने सेल करी हुई है, तो 50 भी अगर चले जाती है तो भी आपको सिर्फ 3 रुपए का नुकसान होने वाला है एक्सपायरी वाले दिन पे। तो मतलब वो बहुत एक एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी कि जिसमें आपको नुकसान हो, और एक्चुअल में वो नुकसान नहीं होगा, वो फ्यूचर आपका कवर कर देगा। अब जैसे ये 3 अगस्त की एक्सपायरी खत्म हो गई, आपको यहाँ से कितना मिल गया, लाइक 47 पे आपने सेल करी थी, मान लेते हैं आपको 20-30 रुपए भी मिल गए, मतलब पूरा 47 का प्रॉफिट आपने नहीं किया, 30 रुपए भी आप लेकर निकल गए, आपको 1500 बच गया। अब ये वाली एक्सपायरी खत्म हो गई, अब जैसे नेक्स्ट एक्सपायरी शुरू हुई है आप उस अकॉर्डिंग कॉल बेच दो। मतलब अगर मार्केट चल रही है 20,000 पे तब, तो आप 300-400 पॉइंट या 500 पॉइंट दूर की कॉल बेच दो, ठीक है। उसमें होगा क्या, आपको 30-30, 40-40 पॉइंट मिलते जाएंगे। जब तक मंथली एक्सपायरी आएगी तब तक आप ऑलरेडी 100-150 पॉइंट ऑप्शन सेलिंग करके कमा चुके होंगे, और एक्चुअल में वो ऑप्शन सेलिंग नेकेड नहीं होगी, वो भी एक प्रॉपर हेज के साथ ही हुई होगी। मतलब आपका फ्यूचर पड़ा है ना, तो अगर आपका फ्यूचर पड़ा है और आप साथ में वीकली कॉल सेल कर रहे हो तो क्या ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। सो इस तरीके से आप बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आप मंथली पुट साथ में बाय करते हो तो आप वीकली की कॉल साथ साथ में सेल करते जाओ। बाकी अगर आपको चार्ट्स पढ़ने आते हैं थोड़े अच्छे से, तो आप चार्ट के अकॉर्डिंग करोगे, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ अब यार छोटे टाइम फ्रेम में कोई ब्रेकडाउन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 5 मिनट का चार्ट देखें, तो जैसे अगर आप सिंपल सी ये भी ट्रेंड लाइन लगाओगे, मतलब एक छोटा सा जैसे यहाँ पे चैनल टाइप बनाओगे या ट्रेंड लाइन टाइप लगाओगे, तो आपको दिखेगा कि हाँ ये सपोर्ट थी उस दिन, ये ब्रेक हो गई है, तो जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हुई है आप उस समय कॉल सेल कर दो, ठीक है। तो मतलब वो चार्ट देखकर आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ कहाँ पे मार्केट में ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। अब जैसे ये ब्रेकआउट हुआ था, तो ये एक ब्रेकआउट सा हुआ था यहाँ पे मार्केट का इस जगह पे। अब अगर आपके पास कॉल सेल पड़ी हुई है या आप करने की सोच रहे हो, तो आपको सामने दिख रहा है भाई ब्रेकआउट हो रहा है, तो उस समय मत करो। तो ये वाला दिमाग देखो थोड़ा आपको खुद लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ऑब्वियसली आप कॉल नहीं बेचोगे, बिकॉज आपका प्राइमरी व्यू यही है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, आपने फ्यूचर ले रखा है। ये कॉल सिर्फ आपको तब बेचनी है जब आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कोई। अब जैसे अगर करंटली अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें, तो अभी मेरे को दिख रहा है कि जैसे ये एक रेजिस्टेंस बन चुकी है, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बेसिकली है 800-850 की। तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, वही 100-150 पॉइंट ऊपर कर लो यहाँ से रेजिस्टेंस से, मतलब 20,000 के आसपास की कॉल बेच दूँ। जब तक ये रेजिस्टेंस अच्छे से क्लियर नहीं होती है, इसके ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन होती है, तो मैं वो कॉल बेच के बैठा रहूंगा। सिंस वो वीकली वाली कॉल है, तो वो ज्यादा जल्दी गिरेगी और ज्यादा जल्दी बढ़ेगी नहीं। अगर यहाँ से मार्केट में 100-150 पॉइंट का बाउंस आता भी है, तो वो 47 से 60-70 के आसपास जाएगी, उतने में आपको ज्यादा नुकसान नहीं दिखेगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप साथ साथ में फॉलो कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है इंडेक्स में करने का, कि आपको ज्यादा बड़ी मूव बहुत कम मिलती है। मतलब मैं कहूं कि भाई 10% इंडेक्स चल गया 10 दिन में या 15 दिन में, वो बहुत ही कुछ महीनों बाद होता है कई बार। बट जो सबसे अच्छा तरीका है इस हेज को करने का, वो है बेसिकली स्टॉक्स में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि स्टॉक्स में 10% 15% की मूव आपको एक एक दिन में मिल जाती है, ठीक है। और कई बार 10% की मूव आ जाती है, फिर एक दो दिन वो स्टॉक खड़ा होता है, फिर उसके अगले दिन जो है वो फिर 5-6% चल पड़ता है। तो इसलिए इंडेक्स में अगर आप बनाते हो तो आपका एक लिमिटेड प्रॉफिट रहता है, बट स्टॉक्स में अगर आप बनाते हो और अगर आपको 2-3 महीने बाद भी कोई एक अच्छा ट्रेड मिल गया, एक अच्छा स्टॉक आपके हाथ में लग गया, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, और फिर आपको ज्यादा इंट्राडे टाइप घुसने की जरूरत पड़ती नहीं है। आप अच्छे स्टॉक्स को अच्छी जगह पे लेते हो, उनमें फ्यूचर हेज बनाते हो, और आप बैठे रहते हो कि ठीक है अच्छी मूव आएगी, मेरा अच्छा पैसा बनेगा। बट यस, अगर आप इंडेक्स में ट्राई करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, मंथली में बनाओ और वीकली में साथ में उसकी कॉल सेल करते जाओ जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले। पर लॉट पे आपका इतना ही लगेगा, 50-60 हज़ार, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। इसको भी ट्राई करके देखिए। जो लोगों ने स्टॉक्स में ट्राई करा है फ्यूचर हेज, उनको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिले हैं। टेलीग्राम पे लोग शेयर करते रहते हैं। अगर आप भी टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हो अभी तक, तो ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं। आप अपने ट्रेड्स वगैरह वहां पे शेयर कर सकते हो कि हाँ मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है, इस तरीके से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, तो वहां पे आपकी जरूर से मैं हेल्प करूंगा। बाकी लोग भी है वहां पे हेल्प करने के लिए, तो इसलिए वहां पे आ जाओ। आई होप आपको हर एक चीज आसानी से समझ आ चुकी है। नीचे कमेंट्स में बताइए आप और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हो। पहली बार आए थे, कुछ अच्छा लगा है, सीखने को मिला है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा चैनल को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।